चलो। हाँ जी, नमस्कार सभी लोगों को, जो लोग पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी, और जो लोग आज ही आए हैं उनको भी नमस्कार। और आज हम आगे बढ़ाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जहां हमने पिछले हफ्ते जो है अपना टॉपिक छोड़ा था, वहीं से आगे हम शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको पीछे जो अब तक हमने पढ़ लिया है उसके कुछ जो है वो अंश आपके सामने रख देता हूं। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन का रूल आया भारत में, ब्रिटिश क्राउन का रूल आया, तो उस समय ब्रिटिश रानी एक प्रोक्लेमेशन, एक फॉर्मल अनाउंसमेंट के साथ आई थी कि भारत में अब जो है वो क्राउन का रूल होगा। एक तो ऊपर से राजा महाराजाओं की संपत्तियां हड़पी नहीं जाएंगी, किसी भी राजा की संपत्ति नहीं हड़पेंगे, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी लाइंस जैसी पॉलिसीज अब इस्तेमाल में नहीं ली जाएंगी किसी की भी टेरिटरी को हड़पने के लिए। तो जो राजा महाराजा जब विद्रोह कर रहे थे उनका विद्रोह एकदम से खत्म हो गया। उसके अलावा उन्होंने कई सारे प्रोमिसेस किए थे अपने उस फॉर्मल प्रोक्लेमेशन में, जो उन्होंने अलाहाबाद से की थी। फॉर्मल प्रोक्लेमेशन में कहा था कि हम भारतीयों को वैसे हक देंगे जैसे ब्रिटेन में ब्रिटिश नागरिकों को मिलते हैं। तो ये सारे प्रोमिसेस किए गए थे। और उसके बाद फिर और भी कई चीजें देखने को मिली, जैसे फिर काउंसिल एक्ट्स आई, सीरीज ऑफ काउंसिल एक्ट्स आती हैं 1858 के बाद। एक आई इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर उसके तकरीबन 30-31 साल के बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, और उसके बाद एक और काउंसिल एक्ट 1909। इन एक्ट्स को लाने का मकसद क्या था कि भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बेहतर रोल देने के लिए ये सारी एक्ट्स लाई गई थी, जैसा रानी ने अनाउंसमेंट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के समय पर, जब अनाउंसमेंट की थी प्रोक्लेमेशन उसमें कहा था। तो इसी वजह से जो है ये तीन एक्ट्स लाई गई आगे चल के, ठीक है। तो लेकिन बाद में जैसा रानी ने कहा वो प्रोमिसेस सारे झूठे साबित हुए, क्योंकि भारतीयों को लगा जरूर था कि ईस्ट इंडिया कंपनी गई है तो अब ब्रिटिश सरकार हमारे भले का काम करेगी, लेकिन वो कर नहीं रही थी। आई ओपनर साबित हुए कुछ इवेंट्स, जैसे एक तो जब विस्काउंट कैनिंग के दौर में आया प्लांटेशन लेबर एंड इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, इसमें असम में बेसिकली ये लागू किया गया था कि जो किसान हैं जो एक जमींदार के अंडर काम करते हैं तो वो उस जमीन को छोड़ के किसी और जगह पर जाके काम नहीं कर पाएंगे। अब एक तरीके से ये तो बंधुआ मजदूरी बना दी ना आपने, कि किसान को लगता है कि ये यहां पर मुझे सही तरीके से पे नहीं किया जाता, यहां पे मुझे टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता है, तो कहीं और जाके नहीं खेती कर सकता। जमीनों पर से मालिकाना हक तो छीना ही है, अब उसको बंधुआ मजदूर भी बना के रख दिया। वैसे आप स्लेवरी अबॉलिश कर चुके थे 1843 में, और आप ऐसे कानून जो है वो लाते जा रहे थे। तो इससे ब्रिटिश सरकार की असलियत, क्राउन रूल की भी असलियत तो पता चल ही रही थी। उसके अलावा 1876 में, जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था कुछ चीजें, जैसे 1876 में पूरे देश में फेमाइन की सिचुएशन हुई थी, और उस समय पर हैदराबाद, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल इंडिया के हिस्से, पंजाब, सब जगह जो है वो बहुत भयंकर सूखा पड़ा था। तो और 2 साल तक इस सूखे की चपेट में रहा हिंदुस्तान। उसी समय पर, क्योंकि सरकार जो है वो लोगों का पेट नहीं भर पा रही थी, 1876 में एक और काम कर दिया सरकार ने, ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट लेकर आई थी। ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट क्या, जिसके जरिए लोग अगर अपनी परेशानियों को नुक्कड़ नाटक के थ्रू अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं तो वो भी नहीं कर सकते। ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट ने हर तरीके के थिएटर पे रोक लगा दी। 1877 में क्वीन विक्टोरिया की ताजपोशी की गई, दिल्ली दरबार लगाया गया, बहुत बड़ा क्राउन जो है उनको एक तरीके से उनकी जो सेलिब्रेशन की गई, ठीक है। तो दिल्ली दरबार लगा करके उनकी ताजपोशी की गई थी भारत में, और उनको क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था इसके जरिए, और वो तब जब फेमाइन की सिचुएशन बहुत हावी थी देश पर, ठीक है। उसके अलावा ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत ज्यादा हुआ तब जब सेकेंड अफगान वॉर शुरू हुआ, अंग्रेजों की और अफगानिस्तान के बीच में दूसरा युद्ध शुरू हुआ 1878 से 1880 के बीच में। देश की हालत खराब है, आप युद्ध लड़ने चल पड़े। युद्ध लड़ने में मोटिव यह था कि भाई रशिया, रशियन एम्पायर के अगेंस्ट एक डिफेंस बनाया जाए, लेकिन भाई ये कौन सा समय हुआ, देश में लोग भूखे मर रहे हैं, आप यहीं के पैसे को इस्तेमाल कर रहे हो, और वो भी युद्ध लड़ने के लिए। तो ये, उसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट,
भारतीय भाषा में छपने वाले न्यूज़पेपर जर्नल्स के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लाद दी गई लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में। आर्म्स एक्ट ने हर तरीके का हथियार रखने पे पाबंदी लगा दी, ये भी लॉर्ड लिटन ने किया। ऐसे समय में जब पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर का भट्टा बैठा हुआ है और कहीं पे भी चोरी चकारी डकैती हो जाती है, ब्रिटिश सरकार लोगों को उसके अगेंस्ट सुरक्षा भी नहीं दे पाती, और फिर आप ये भी कह देते हो कि हथियार भी मत रखो घर में, तो लाइसेंस लेकर कम से कम हथियार तो रखने दो। अगर तुम सुरक्षा नहीं दे सकते तो खुद भी सुरक्षा ना करें, इसका मतलब तो मर ही जाए। ठीक है, फिर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है ये वॉइस रॉय की काउंसिल के एक मेंबर हुआ करते थे, मैंने पिछली बार भी बताया था। इसमें इसमें मुद्दा ये था कि भारतीय जजों को वैसी ताकतें देना जैसी यूरोपियन जजेस को थी। बिल जो लाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहता था कि अगर किसी यूरोपियन व्यक्ति पर भारत में केस चलेगा तो उसके केस में एक भारतीय व्यक्ति भी जज हो सकता है और उसके केस को की हेयरिंग को हैंडल कर सकता है। लेकिन अंग्रेज इसके अगेंस्ट, सारे ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस एकजुट हो गए, उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया, कहा ऐसे बिल को तो पास नहीं होने देंगे, से व्हाइट म्यूटनी ऑफ 1883 भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया, फिर बिल में बदलाव करना पड़ा। बिल में यह डाल दिया गया कि एक हिंदुस्तानी व्यक्ति भारत में अगर यूरोपियन व्यक्ति पर केस चलेगा तो जज हो सकता है, लेकिन उसकी पावर्स खत्म, केस को डिसाइड करेगी एक ज्यूरी। ज्यूरी में अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, वो ज्यूरी डिसाइड करेगी, और 10 में से 5 से ज्यादा, 50% से ज्यादा, 6 या 7 कम से कम जो है वो यूरोपियंस या वाइट होने चाहिए। तो इसका मतलब आपने जज को बिठाया सिर्फ नाम मात्र के लिए, जो केस है उसे तो ज्यूरी ने डिसाइड करना है, आपने कान को ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ लिया, बस बात यही हुई। ठीक है, तो ये थी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। बहुत सारी चीजें जो आंखें खोलने वाली थी वो सब हमने देखी बीच में। बिल्कुल 1858 में क्राउन रूल आ जरूर गया, लेकिन सच लोगों को पता चलता जा रहा था अलग अलग घटनाओं से। ऊपर से सिविल सर्विसेज में जिस तरीके से लगातार फेज वाइज एज रिडक्शन की गई थी, भारतीयों को कोशिश की गई थी कि वो ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल ना हो, शुरुआत से ही टॉप पोजीशंस पे तो भारतीयों के लिए जो है कोई था ही नहीं कि वो सिस्टम जा भी सके। सिविल सर्विसेज में शामिल जरूर कहा गया कि भाई एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन टॉप पोजीशंस के लिए नहीं था कभी भी। एटकिंसन कमीशन 1886 में जाके कहता है भाई टॉप पोजीशंस पे तो कम से कम भेजो इंडियंस को, आप एग्जाम तो ले रहे हो, लेकिन वो सिर्फ लोअर रैंक्स पे ही भारतीयों को रिक्रूट करने के लिए है। उसके बाद कांग्रेस बनी। कांग्रेस फाइनली, कांग्रेस को बनाने के पीछे अंग्रेजों की मंशा ये थी कि आगे चल के इलेक्शंस हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और इलेक्शंस लड़ने के लिए कम से कम कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जो एक प्रोटोटाइप का काम करे। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, उसका देखा देखी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी, फिर इलेक्शंस को हम प्रैक्टिकली वो पॉसिबल कराया जा सकता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक, और उसके साथी भारतीय दिनशाई वाचा दादा भाई नारोजी, ये सब लोग थे फाउंडिंग मेंबर्स कांग्रेस के जब 1885 में ये बनी थी। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था पहला सेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो, उसमें चेयरपर्सन थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 72 सोशल रिफॉर्मर्स और लॉयर्स जो थे वो इस पहले सेशन में शामिल हुए थे। सेशन होना तो था पुणे में, लेकिन आखिर मोमेंट पे वेन्यू बदल दिया गया, क्योंकि पुणे में कॉलरा हैजा फैला था, जिसकी वजह से वेन्यू कर दिया गया बॉम्बे, और बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में ये फिर जो है पहला जो ऑर्गेनाइज किया गया। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम खुद 1882 में ही ब्रिटिश सर्विस से रिटायर हुए थे, और इन्होंने 1883 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा था कि वो अपने देश की पॉलिटिकल मूवमेंट को ज्वाइन करें। 1887 में पब्लिक कमीशन को दिए बयान में उन्होंने कहा था कि वो तो अपने आप को एक भारतीय नेटिव ही समझते हैं। उसके अलावा ये देखो, फिर ये जो शुरुआती तस्वीर है, ये पहला सेशन जो हुआ था कांग्रेस का उसमें पहुंचे मेंबर्स की, जिसमें एक बात थी कि ज्यादातर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग दिखाई पड़ते थे, जो इनकी पोशाकें और इनका शरीर, शारीरिक भाषा भी जो बता रही है कि किस तरीके के लोग थे, रिच क्लास या अपर मिडिल क्लास से आने वाले लोग थे ज्यादातर कांग्रेस के शुरुआती मेंबर्स। कांग्रेस के शुरुआती सेशन पहला बॉम्बे, जहां पे उमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस प्रेसिडेंट चुना गया। अगला फिर 1886 यहां दादा भाई नारोजी को कांग्रेस प्रेसिडेंट चुना गया। तीसरा सेशन मद्रास में, यहां बदरुद्दीन तैयब जी को फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। चौथा सेशन अलाहाबाद में, जहां जॉर्ज यूल को। उसके बाद बॉम्बे, जहां पे सर विलियम वेडरबर्न को,
और उसके बाद 1890 में कलकत्ता, जहां फिरोज शाह मेहता को कांग्रेस प्रेसिडेंट चुना गया। यह प्रथा बन गई थी कि दिसंबर के आखिरी कुछ दिनों में हर साल कांग्रेस का एक सेशन हुआ करेगा। कांग्रेस को बनने को लेकर भी कुछ कंट्रोवर्सी थी जो हमने पिछली बार डिस्कस की थी, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर और डोमिनेशन ऑफ लॉयर्स। लॉयर्स का होना तो एक नेचुरल सी बात दिखाई पड़ती है, क्योंकि लॉयर उस समय हाईली पेड जॉब थी, कानून की समझ अच्छी थी उनकी, और अगर संवैधानिक मुद्दे पे जो समझ रखने वाले लोगों को इकट्ठा किया जाए तो उसमें वैसे भी सबसे आगे लॉयर ही दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए लॉयर्स बहुत ज्यादा थे। एक और, अब दो कंट्रोवर्सीज में और एक, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी मैंने आपको बताया था, इसमें ज्यादातर एक्सट्रीमिस्ट नेता जो बाद में हुए उन्होंने इस थ्योरी को बहुत ज्यादा जो है उसको बल दिया। कैसे? क्योंकि लाला लाजपत राय जो हमारे आगे चल के एक गर्म पंथी नेता थे, उन्होंने दो किताबें लिखी थी, अनहैप्पी और अनहैप्पी इंडिया और पंजाबी। दोनों किताबों में उन्होंने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के बारे में कहा था। उनके हिसाब से जो शुरुआती कांग्रेस नेता थे, खासतौर पे मॉडरेट्स के बारे में कहा जा रहा है, उनको जो है यूज किया गया, कांग्रेस और शुरुआती नेताओं को यूज किया ब्रिटिश सरकार ने, कि अपनी एक सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज किया कि कहीं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई अपराइजिंग ना हो जाए, कि कोई कोई बहुत बड़ी जो है जैसे 1857 में क्रांति हुई थी ऐसी ना हो जाए, उसके लिए कांग्रेस का सहारा लिया गया, इसीलिए उसको बनाया गया। लॉर्ड डफरिन और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम आपस में मिले हुए थे, तो उन्होंने जानबूझ के साजिश रच के इस संस्था को बनवाया। ये मानना था किसका? लाला लाजपत राय, उनके साथी विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, मेनली इन लोगों का। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी वॉज गिवन बाय मेनली लाला लाजपत राय। और इसके बारे में बहुत सारे इंस्टेंसेस मैंने आपको बताए थे, जैसे पी दत्त जो है इन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस को बनाया इसलिए गया था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जनता के अंदर गुस्सा है और उसको देखते हुए कांग्रेस का गठन किया गया था। विलियम वेडरबर्न ने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की पूरे जीवन की कहानी लिखी थी जो 1913 में पब्लिश हुई, उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बताया था। 1878 में उन्होंने बताया था कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कुछ सीक्रेट दस्तावेज मिले थे जिसमें पता लगा था कि लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो एक साजिश करने जा रहे हैं ब्रिटिश सरकार को गिराने की, और वो बहुत तंग है ब्रिटिश सरकार से। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है एक सेफ्टी वॉल्व की तरह कांग्रेस को बनाया गया। फिर दूसरी थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर, गिवन बाय गोपाल कृष्ण गोखले। ये कांग्रेस के मॉडरेट नेताओं में से थे, नरम पंथी नेताओं में से थे, शुरुआती नेताओं में से थे। इनका कहना था कि हमें सब कुछ पता था, मॉडरेट नेता मूर्ख नहीं है, उन्हें सब कुछ पता था कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की मंशा क्या थी और ब्रिटिश सरकार की मंशा क्या थी, पर हमने उनकी मंशा को समझते हुए फिर भी उनको ऊपर रखा। हमें पता था कि ये व्यक्ति जो है हमारे लिए एक इंसुलेटर का काम करेगा, अगर ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को दबाने की कोशिश करेगी तो ये सारे करंट को सोख के हमारे ऊपर आने नहीं देगा। तो लाइटनिंग कंडक्टर ऐसे ही करता है ना काम, एक कंडक्टर जो छत पे लगाया जाता है, बिजली गिरती है तो वो सारी बिजली को पकड़ के जमीन तक अर्थ कर देता है, तो ऐसे ही कुछ काम करेगा हमारे लिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करेंगे हमारे लिए। तो ये समझ के लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी बनाई गई। अब देखो 1850 के बाद कुछ और संस्थाएं, पिछली बार भी मैंने आपको संस्थाएं बताई थी जो 1857 से पहले की, 1857 से पहले जो संस्थाएं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, तो कांग्रेस से पहले भी कुछ और छोटी छोटी एसोसिएशंस बनी थी जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए, एक बार ध्यान से देख लो। इसमें है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1866 लंदन में बनी थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसको बनाने वाले लोगों में से थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयब जी और मनमोहन घोष। मकसद था कि देखो इसको लंदन में बनाया गया था कि वहां पब्लिक को, लंदन में जो लोग हैं उनको ये बताया जाए कि भारत में लोगों के हालात क्या है और उनके भले के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि अब तो भारतीय नागरिक भी ब्रिटिश नागरिक ही थे ना, ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही आते थे, तो वहां पे भी लोगों को पता होना चाहिए कि उनके फेलो सिटीजन के साथ भारत में क्या हो रहा है। उसके अलावा 1875 में बनी इंडियन लीग, इंडियन लीग के फाउंडर थे शिशिर कुमार घोष, जो खुद एक नोटेड जर्नलिस्ट थे और जिन्होंने बहुत ही मशहूर पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी जो बंगाली में छपती थी, ठीक है। और
ये जो अमृत बाजार पत्रिका थी इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, जो शिशिर कुमार घोष जिसके एडिटर हुआ करते थे, 1878 में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आई ना, तो इस पत्रिका को बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारतीय भाषाओं में छपने वाले न्यूज़पेपर, जर्नल्स और मैगजीन्स के ऊपर गाजगिरी थी, यानी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। तो जो ये साहब थे हमारे शिशिर कुमार घोष, इन्होंने क्या किया कि उसको अंग्रेजी में पब्लिश करना शुरू कर दिया, ताकि ये जो रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर से हट जाए। ठीक है, तो बहुत फेमस पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका, उसके फाउंडर थे शिशिर कुमार घोष, और इंडियन लीग भी इनकी ही बनाई गई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसके बारे में यहां पे दिया है। ठीक है, और आपको बता दें यहां पे कि इसका मकसद क्या था, कि भारत में लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाना और पॉलिटिकल मुद्दों पे उनकी समझ डेवलप करना, उन्हें पता हो कि भाई उनके हक क्या है, ब्रिटिश सरकार उनके साथ क्या नाइंसाफी कर रही है, वो सब उन्हें पता होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, आगे इंडियन एसोसिएशन 1876 में, इंडियन एसोसिएशन, इसमें आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन लोगों ने ये संस्था बनाई थी। इसको कह सकते हैं कि कांग्रेस से पहले बनी हुई सबसे खास संस्थाओं में से एक जो है वो ये थी, प्री कांग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हम इसे कह सकते हैं। इसका मकसद क्या था कि हर लेजिटिमेट तरीके से, जो भी सही कानूनी तरीके हैं, उनके तहत जो है पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल और मटेरियल एडवांसमेंट करनी लोगों की। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब देश के लोगों को उनके उनकी समझ को बढ़ाना। ठीक है, हर सही तरीके से, कुछ भी बिना कानून तोड़े हुए, उनको सही तरीकों से उनकी पॉलिटिकल समझ को बढ़ाना, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को बढ़ाना। ठीक है, ताकि लोग जो है अपने हकों की मांग खुद कर सके, उनको उनको वो समझ देना। आप किसी के लिए कोई काम कर दो, उससे अच्छा है ना कि आप उसी को उतना काबिल बना दो। ठीक है, तो ये करना इनका मकसद था। एक और मकसद था इसमें, टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चंस, लोगों का पॉलिटिक्स के मुद्दे पे कि क्या उनके हक हैं, उनको पक्के तौर पे बता दिया जाए। उसके अलावा हिंदुस्तान के लोगों को इकट्ठा करना, जो कोई अपने आप को मराठी समझ के बैठा है, कोई अपने आप को पंजाबी समझ के बैठा है, कोई कोई धर्म के आधार पे बटा है, कोई किसी आधार पे बटा है, कोई रीजन के हिसाब से सब अलग है। हर राजा के अंदर रहने वाले लोग सोचते हैं कि हमारे तो पुराने राजा वो थे, हमारी आइडेंटिटी ये है। तो पहले उनको ये तो बताया जाए कि भैया तुम सब एक हो, तुम एक ही जमीन के वासी हो, और सब तुम्हारे अंदर कॉमन चीजें क्या हैं, उन्हें ये तो बताया जाए पहले। ये भावना तो आए लोगों के बीच में कि हम सारे एक ही देश के वासी हैं, नहीं तो पहले बंगाली बंगाली है, मराठी मराठी है, गुजराती गुजराती है, तो उनको तो पता ही नहीं ना कि हम कौन है। कम से कम एक वननेस की भावना तो जागे, उसके लिए इंडियन एसोसिएशन बनाई आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसने और कुछ काम किए, कुछ मेजर एक्टिविटीज 1876 में बनी थी। इसने 1877 में, इसने क्योंकि 1876 में 21 साल से घटा के 19 साल कर दी गई थी जो मैक्सिमम एज थी एग्जाम में अपियर करने के लिए सिविल सर्विसेज के लिए, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया कि आप ऐसे कैसे काम कर सकते हो, भारत में बच्चे ज्यादा उम्र में जाके पढ़ना शुरू करते हैं तो वो क्वालिफिकेशन एज अचीव ही नहीं करेंगे, आपने तो 19 साल कर दिया अपनी तरफ से, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया इन्होंने। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि सिविल सर्विसेज एग्जाम को इंग्लैंड और इंडिया दोनों जगह कराया जाए, आप सिर्फ लंदन में करा लेते हो, यहां से गरीब आदमी कैसे जाएगा पेपर देने के लिए। और इसने आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटन ने लगाई थी, आर्म्स एक्ट 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, उन दोनों का विरोध किया, कहा कि ये क्या है, आप प्रेस की आवाज को कैसे दबा सकते हो, हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में छपने वाले न्यूज़पेपर, जर्नल पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कैसे कर सकते हो, और हथियार क्यों नहीं रखने दे रहे, हथियार जब आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो लोगों का हक है ना अपनी सुरक्षा के लिए, कम से कम लाइसेंस ही हथियार तो रखें। ठीक है, और इसने एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज की थी कलकत्ता में, दिसंबर 28 से लेके 30, 1883 के बीच में, 28 से 30 दिसंबर 1883 के बीच में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें कांग्रेस को बनाने के लिए डिसीजन लिया गया। तो कांग्रेस भी इसी संस्था से एक तरीके से, इसके जड़ों से निकली हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी,
आगे पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनी थी, एम जी रानाडे, जी वी जोशी और एस एच चिपलुंकर, ये लोग इसके संस्थापक थे। मकसद क्या था? मकसद देखो, मकसद था कि ये संस्था जो है ये ब्रिज बन के काम करे सरकार और लोगों के बीच में, मतलब सरकार के जो रिफॉर्म्स हैं या जो भी उनकी स्कीम्स हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाए, लोगों के जो शिकायतें हैं उन्हें सरकार तक पहुंचाए, उसके लिए बनी थी पूना सार्वजनिक सभा 1870 पूना में। और इसी संस्था से आगे चल के बहुत बड़े और फेमस नेता निकले, जैसे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, इसमें इसको बनाने वाले थे फिरोज शाह मेहता, केटी देलांग और बद्रुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इसमें कौन कौन थे? फिरोज शाह मेहता, केटी देलांग और बद्रुद्दीन तैयब जी। इनका मकसद था भारतीयों में पॉलिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, वही कि लोगों को अपने अपने जो हक हैं उनकी समझ हो, और यंग जनरेशन जो भारत की है, युवा जो हैं, उनको अपने हकों के लिए जो है वो बताना कि भाई उनके हक क्या हैं, उसके लिए ये संस्था, ज्यादातर संस्थाओं का यही मकसद था। फिर आती है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा, ये इसमें थे एम वी राघवचार्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंदाचार्लू, इन लोगों ने बनाई थी। मकसद क्या था फिर से बता देता हूं, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ लोकल एसोसिएशंस, लोकल जो संस्थाएं थी खासतौर पे मद्रास में, उनकी एक्टिविटीज को इकट्ठा करके सही तरीके से सुचारू रूप से चलाना। इसका एक और डिमांड थी खास के जो आपने हर रीजन के लिए, मद्रास के लिए, बंगाल के लिए, बॉम्बे के लिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई हैं उसके अंदर भारतीयों का नंबर बढ़ाओ आप। अगर वो लॉ मेकिंग बॉडीज में भारतीयों का नंबर ही नहीं है तो फिर भारतीयों के ना रहने की वजह से ये तो आप हमारे ऊपर अपने कानून जबरदस्ती थोप रहे हो ना। अगर भारतीय ज्यादा होंगे तो फिर अब अपने फेवर के कानून बनाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लोकल हैं उनके लिए उसमें बदलाव आना चाहिए, उनके स्ट्रक्चर में। ठीक है, अच्छा वीडियो लैग कर रहा है राहुल कुमार, कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ा सा करेगा, अगर अगर लैग अभी करंट कर भी देता है कोई बात नहीं, दोबारा से आपके पास रहेगा यूट्यूब पे, आप दोबारा से चला के देख सकते हो। ठीक है, और कोई बच्चा शायद लिख रहे कि भाई कमेंट्स, देखो मैं कमेंट्स ना बीच में ज्यादा देर नहीं पढ़ता हूं, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि अगर आपके हर व्यक्ति के, इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, हम हर एक के कमेंट्स अगर पढ़ने लगूंगा ना मैं, तो फिर तो सारा टाइम उसी में चला जाएगा और सिलेबस जो है हमारा रह जाएगा। तो इसलिए शुरू में और लास्ट में ही हम कमेंट्स जो है वो रीड करेंगे, और इससे क्या होता है डिस्टर्बेंस नहीं होती, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैंने ये तरीका चुना है, क्योंकि अगर मैं बार बार कमेंट्स पे ध्यान देता हूं तो फिर वो होती है प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये थी कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो 1857 के बाद बनी 1885 के बीच में, बिफोर कांग्रेस। ठीक है, तो ये सारी संस्थाएं मैंने आपके साथ जो है ये डिस्कस की। इसके बाद 1885 से 1905 के दौर में आते हैं। ठीक है, तो शुरुआती दौर, अब ये आगे पहला जो शुरुआती दौर है ना, पहले 20 साल, वो दौर कहलाता है नरमपंथी नेताओं का दौर, कांग्रेस में मॉडरेट पीरियड। ठीक है, मॉडरेट्स का पीरियड, शुरुआती नेता जिनके तरीके कुछ ऐसे थे जिनकी वजह से उन्हें नरमपंथी या मॉडरेट कहा जाता था। 1905 के बाद से एक बड़ा शिफ्ट आया नेताओं के रवैये में, उनके अंग्रेजों से अपने हक मांगने के तरीके में और हर चीज में जो एक बदलाव आया, जिसकी वजह से आगे जो नेता हुए उन्हें कहा जाने लगा एक्सट्रीमिस्ट या गर्मपंथी। ठीक है, इसमें दो धड़े अलग अलग दिखे जिनके तरीके अलग थे अंग्रेजों से अपने लिए हक मांगने के। एक मॉडरेट जो प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट पे चलते थे, एक्सट्रीमिस्ट ये कहते थे हम क्यों प्रेयर करें, हम क्यों प्रोटेस्ट करें, इनको निकाल बाहर करो इस देश से। ठीक है, चल इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैंने आपको बताया था शुरुआती पहला सेशन व्योमेश चंद्र बैनर्जी, दूसरे सेशन में कलकत्ता में और दादा भाई नारू जी, तीसरे सेशन में सैयद बद्रुद्दीन तैयब जी, उसके बाद इलाहाबाद में चौथा सेशन हुआ, तो यहां पे पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट बने जॉर्ज यूल, फिर 1896 में रहमतुल्ला सयानी। अब ये वाला जो 1896 का एक इंपॉर्टेंट सेशन था, इसमें एक खास बात हुई थी कि पहली बार नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया गया था
जिसकी रचना की थी गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने, उसको गाया गया था पहली बार 1896 के सेशन में। एक फैक्ट है जो आपको याद रख लेना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कुछ और सेशन इंपॉर्टेंट जो मॉडरेट के दौर में हुए, उसमें 1899 का एक सेशन है जिसमें जो लखनऊ में हुआ था, प्रेसिडेंट थे रमेश चंद्र दत्त, डिमांड रखी गई थी कि जमीन के ऊपर जो आप जो टैक्स लेते हैं, जमीन पे लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता है, जमीन पे जो कर लगाया जाता है, उसे फिक्स कर दिया जाए। हर बार अलग अलग क्यों लिया जाता है? तो किसान को पता नहीं है ना कि इस साल अगर वो उसे जो है वो देना पड़ रहा है 10 किलो अनाज जो है देना पड़ रहा है, उस कल को वो बढ़ जाएगा या कम होगा, उसको नहीं पता ना। तो फिक्स कर दो कुछ पीरियड के लिए, कम से कम 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो पता रहेगा किसान को कितना कर देना है, टैक्स कितना देना है। 1901 में सेशन कलकत्ता में हुआ और प्रेसिडेंट चुने गए थे दिनशा ई वाचा। गांधी जी पहली बार किसी सेशन में उन्होंने जो उसको अटेंड किया था, वैसे तो इस समय पर गांधी जी भारत में नहीं रह रहे थे, लेकिन कुछ समय के लिए बीच में भारत आए थे, और पहला सेशन जो उन्होंने अटेंड किया वो 1901 का सेशन था। वैसे 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। मैं वैसे बता देता हूं, 1869 में जन्म हुआ था उनका, पहले उन्होंने भारत से पढ़ाई की, फिर लंदन से जाके लॉ की पढ़ाई की, उसके बाद जब उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर वो दक्षिण अफ्रीका चले गए एक केस के सिलसिले में 1893 में। उसके बाद वहीं बसे, लेकिन बीच में एक दफा इंडिया आए 1901 में, परमानेंटली नहीं, थोड़े समय के लिए, और कांग्रेस के एक सेशन में वो पहली बार जहां पहुंचे थे, तो वो बोला जाता है कलकत्ता सेशन 1901, जहां पर दिनशा ई वाचा कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, तब गांधी जी कांग्रेस के किसी प्लेटफॉर्म पर पहली बार पहुंचे। तब वो बहुत एक सामान्य से व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा उनकी ख्याति नहीं थी, लोग जानते भी नहीं थे ज्यादा। उसके बाद 1905 में बनारस का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां प्रेसिडेंट चुने गए थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। 1905 में प्रेसिडेंट चुने गए थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इस सेशन में स्वदेशी मूवमेंट की फॉर्मल अनाउंसमेंट की गई थी, फॉर्मल प्रोक्लेमेशन किया गया था कि स्वदेशी मूवमेंट की हम शुरुआत कर रहे हैं। अब ये क्यों, अभी आपको पता चलेगा आगे, क्योंकि अभी मैं कुछ चीजें और बताऊंगा आपको इस पीरियड के बारे में। देखो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में मैंने आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में बहुत ही कम चीजें कर पाए थे, क्या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की, कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाने की बात कही कि हम अलग अलग रीजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे जो लोकल लॉज इनैक्ट करेंगी, वो बनाई, कुछ बनाई भी गई, और उसके बाद फिर एक एक करके फेज वाइज वो बनाई गई। लेकिन तब कहा गया था कि हम जो है भारतीयों का एडमिनिस्ट्रेशन में एकदम से शामिल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज आगे बनेंगी, इलेक्शन का सिस्टम आएगा आगे, ये सारी चीजें होंगी, तो उसके लिए आगे हम जो है अब से अप्रोक्सीमेट 30 साल के बाद, 61 में कहा था अप्रोक्सीमेट 30 साल के बाद जो है एक एक्ट आएगी, आनी चाहिए थी 1891 में, एक साल लेट हुई तो 1892 में आई इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया, और इसमें मकसद था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए और पार्लियामेंट्री सिस्टम को वजूद में लाया जाए भारत में। कांग्रेस ने जब से बनी थी 1885 से 1889 के बीच में ढेरों दर्जनों डिमांड्स की थी, और उन डिमांड्स को भी रूप देने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को लाया गया था, ठीक है। इस एक्ट ने बहुत कम लिमिटेड और थोड़े से जो है वो बदलाव किए, जिसमें इन्होंने कहीं पर इलेक्शन, अब देखो इलेक्शन की बात तो की, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन शब्द यूज नहीं किया कहीं भी, ठीक है, इलेक्शन की बात की लेकिन शब्द डायरेक्ट इलेक्शन कभी यूज नहीं किया। इन्होंने कहा कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की सीटें भरने के लिए जो लॉ मेकिंग बॉडी है, रीजनल जो स्टेट्स की, प्रोविंसेस की, और सेंटर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो लॉ बनाती है बॉडी, उस बॉडी में लोगों को पहुंचाया जाएगा, इंडियंस को पहुंचाया जाएगा, पर इलेक्शन शब्द यूज नहीं किया, बोला नॉमिनेशन के थ्रू पहुंचाएंगे, ठीक है। तो पहली बार इनडायरेक्टली इलेक्शन हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबरों के लिए, लेकिन शब्द यूज किया गया नॉमिनेशन, ठीक है। और इस एक्ट ने भारत में नींव रखी पार्लियामेंट्री सिस्टम की, और इसी के लिए यह एक लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कही जाती है। इसको यह कहा जाता है कि इसी की वजह से भारत में जो है ये पार्लियामेंट वाला सिस्टम जो है वो वजूद में आया। ये एक बड़ी संवैधानिक जो है
वो ये कह लो कि आगे एक एक पड़ाव था संविधान की बनाने की लेकर, जो आगे जो बनना था तो उसके लिए एक पहला कदम इसको कहा जा सकता है, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि पहली बार इलेक्शन प्रिंसिपल्स यूज किए गए बट इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये एक्ट कई मामलों में कुछ कम रह गई, कैसे कि जैसे इस एक्ट से उम्मीद की गई थी, बोला था 1861 के बाद 30 साल बाद एक्ट आएगी जो भारतीयों को सीधा बहुत सारे हक देगी, भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टली शामिल कर देगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ कहने के लिए बोला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को शामिल करेंगे नॉमिनेशन के तरीके से, तो ये ऐसी थी ये एक्ट, इसको अगर मैं सही मायने में कहूं तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये था इसके अंदर पूरा, ठीक है। और मॉडरेट्स की अगर मैं बात करूं, शुरुआती नेता जो थे इस समय पर कांग्रेस के, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, सर फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पी आनंदाचार्लू, आरसी दत्त और आनंद मोहन बोस। ये कुछ शुरुआती नेता थे, नरमपंथी नेता, जिनके तरीके जो थे वो थे प्रेयर, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट और प्रोटेशन। उस अब मतलब शांतिपूर्ण तरीके से एक कमरे के अंदर बैठकर जो है उनसे याचनाएं करना कि भाई हमारे लिए ये काम कर दो भैया, ठीक है, हमें ये हक दे दो भैया, ठीक है। तो इस तरीके से अंग्रेजों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात मनवाने में यकीन रखते थे, लेकिन लोगों के हकों के प्रति जो है वो बहुत सजग थे, जागरूक थे और चाहते थे कि लोग बंधे ना रहे, सरकार उन्हें किसी भी तरीके से दबा के ना रखे, तो लिबरलिज्म में बिलीव करते थे शुरुआती मॉडरेट नेता, और इसीलिए इनको जो है मॉडरेट या नरमपंथी रुख वाले नेता भी कहा जाता है। अब इन्होंने शुरुआत में कुछ डिमांड रखी थी शुरुआती नेताओं ने, क्या के वही जो प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ने की थी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम को इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह कराओ, सिर्फ इंग्लैंड में ही क्यों, भारतीय गरीब लोगों का कैसे जाएंगे वहां। उसके अलावा इंडियन काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल को पूरे तरीके से नए तरीके से बनाओ, आप कर क्या रहे हो, दो इंडियन और बढ़ा दिए, फिर दो चार और बढ़ा दिए, ऐसे थोड़ी, मतलब पूरा नए तरीके से बनाओ, भारतीयों की ही मेजोरिटी होनी चाहिए उसमें। और जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखो, जुडिशियरी अब देखो अब जो हमारा संविधान अब लागू है आज की डेट में, उसमें होता है ना कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव अलग होने चाहिए, मतलब जो कानून लागू करने वाली संस्था है या जो बॉडी है वो है एग्जीक्यूटिव, और जो उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई 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 न्याय नहीं मिलता उसके लिए फिर आप किसके पास जाते हो, जुडिशियरी के पास जाते हो, अलग अलग है संस्थाएं, ठीक है, कानून बनाने वाले अलग और कानून अगर तोड़ा जाए तो उसके लिए कहां जाना है, उस पे न्याय देने वाले अलग, जुडिशरी अलग। लेकिन अगर एक ही आदमी हो तो, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक ही संस्था हो तो वो कहेंगे जी जो बना दिया कानून ठीक है, फिर तो एक तरीके से मोनोपोली हो जाएगी ना, डिक्टेटरशिप हो जाएगी कि भाई पहले कुछ खुद ही कानून बनाया, बाद में कोई न्याय के लिए आया बोला अच्छा चलो इधर से साफ दफा कर देंगे। तो इसलिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग हाथों में होनी चाहिए, अलग अलग पावर्स होनी चाहिए, अलग अलग पोल्स होने चाहिए, ठीक है। चलो रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट, इन्होंने यह भी कहा कि आर्म्स एक्ट को वापस लो भैया, क्या तुम ऐसे कह रहे हो कि हथियार नहीं रख सकते, हथियार क्यों नहीं रखेंगे, रखेंगे, जब तुम सुरक्षा ही नहीं दे सकते तो हमें तो हथियार रखने ही पड़ेंगे, तो इन्होंने कहा आर्म्स एक्ट को वापस लो। उसके अलावा इन्होंने कहा कि भारतीयों को ऊंचे दर्जे के रैंक्स पे आर्मी में भी शामिल करो, अरे ना तुम वैसे कहते हो सिविल सर्विस एग्जाम लेते हैं लेकिन तुम उनमें टॉप रैंक्स पर तो भेजते ही नहीं इंडियंस को, लोअर रैंक्स के लिए रिजर्व रखते हो, ऊंचे जो अधिकारी लेवल हैं वो तो सारे सिर्फ अंग्रेजों के लिए रिजर्व हैं, और ऊपर से आर्मी के रैंक्स भी ऊंचे दर्जे के सारे वो अंग्रेजों के लिए रिजर्व है, तो उसके लिए इन्होंने मांग की और कहा मिलिट्री का एक्सपेंडिचर कम करो। अभी अभी वो 1878 से 1880 में हुआ था ना पीछे कि उन्होंने अफगानिस्तान में युद्ध छेड़ दिया था, बहुत पैसा खर्चा कर दिया, अरे जब देश में लगातार सूखे पड़ते जा रहे हैं, आपने सारी क्रॉप्स का कमर्शियलाइजेशन कर रखा, सारी जो भी फसल होती है उसे विदेशों में बेचते हो महंगे दामों पे, और जब सूखा पड़ता है तो स्टोर खाली होते हैं अनाज के भंडार, और मिलिट्री का एक्सपेंडिचर तुरंत प्रभाव से कम करो, ऑडिट्स की डिमांड थी। उसके अलावा जमींदारी सिस्टम को देश के सारे हिस्सों में लागू करो। अब ज्यादातर ये जमींदारी या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को क्यों लागू करवाना था, क्योंकि बहुत सारे जमींदार जो हैं वो कांग्रेस के शुरुआती नेता थे, और उन्हें यह भी लगता था
कि अगर जमींदार वाला सिस्टम है तो जमींदार ना बहुत हद तक किसान के क्लोज रहता है। जमींदार जब जरूरत पड़ती है तो किसान को फसल उगाने के लिए जो है बीज भी देता है, उसको लोन भी देता है, बहुत सारी मदद करता है। और ऊपर से कम कोई एक पक्ष तो प्रॉफिट कमाए इंडिया में, कम से कम अगर किसान को दबाया कुचला जा रहा है, कम से कम जमींदार तो प्रॉफिट कमाए। लेकिन रेवतवारी में तो सीधा सरकार डायरेक्टली किसान को लूट खसोट रही है और उसमें किसी भी वर्ग का फायदा भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसीलिए परमानेंट सेटलमेंट को पूरे देश में लागू किया जाए, जमींदारी व्यवस्था को, और इंडिया की इकोनॉमिक ड्रेन को खत्म किया जाए। मतलब भारत से जो पैसा आप ले जा रहे हो और जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ ब्रिटेन की तरक्की के लिए, वो खत्म किया जाए। भारत के पैसे को वहां ना ले जाया जाए। अब भारत में किसान भुखमरी के लेवल पे क्यों आ गए? क्यों? अब बात करो, 1773 में भारत में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुई है, इसके तकरीबन कुछ ही समय के बाद 8-10 साल के अंदर यूएस आजाद हो गया, यूएस अपने तरीके से चलने लगा। भारत में और यूएस में किसान की सिचुएशन में कितना फर्क आ गया? जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो भारत की हालत इतनी खराब थी, किसान मरने की नौबत आ गई थी उसकी, क्योंकि उसका पैसा कभी उसके पास नहीं रहा, उसका पैसा कभी मल्टीप्लाई होने की सिचुएशन में नहीं आया, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 नहीं हुआ। लेकिन यूएस में किसान तरक्की करता चला गया, उसका पैसा उसके पास था, सरकार वहां की उन्हीं लोगों की बनाई हुई थी, वो बहुत कम टैक्स लगाते थे, उनका पैसा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होता गया, वो दुनिया भर में व्यापार करते रहे, अपनी फसलों को दुनिया भर में बेचते थे। 1947 में भारत में किसान के पास मिनिमम अपनी पेट भरने लायक जो है वो पूंजी नहीं है, और उसके अलावा वो भुखमरी की तो उस पे आ गया है, उसके पास इक्विपमेंट्स नहीं है खेती करने के लिए। लेकिन जब यूएस जो इतने सालों से आजाद रहा, उसकी हालत देखो, वो वहां पे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं खाद डालने के लिए, बीज डालने के लिए। फर्क है ना? फर्क क्यों आया? क्योंकि हमें इस पूरे दौर में 1770-80 में भारत की और यूएस की सिचुएशन एक जैसी थी, लेकिन जिस दौर में यूएस अपने दम पे ग्रो कर रहा था, हमें हमारे पैसे को लूट के अंग्रेज अपने देश में ले जा रहे थे, तो ये इकोनॉमिक ड्रेन नहीं था, हमारे पैसे को लगातार अपने देश ले जाते गए। ठीक है, और लैंड रेवेन्यू, जमीन पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको, उसके बोझ को कम करो, किसान मर रहा है। और वर्कर्स जो हैं, जो आपने वर्कर्स के लिए जो कंडीशन बनाई है, जो जो भी नियम आप लागू कर रहे हो, उसमें कम से कम ऐसे कानून बनाओ जिससे वर्कर्स की जो हालत है उसमें थोड़ा सुधार हो। क्योंकि ब्रिटेन में तो वो चला था ना इंडस्ट्रियलाइजेशन, वही वैसे ही कुछ सिस्टम भारत में लाए थे, भाई 20 घंटे काम कराओ, 16 घंटे काम कराओ, इंसान थोड़ी है, ये तो मशीनें हैं, जितना ज्यादा काम करेंगे उतना हमारा पैसा बनेगा। सॉल्ट टैक्स, नमक पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे खत्म किया जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। उसके बाद अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स, लेकिन मॉडरेट्स ने ये सारी डिमांड्स रखी जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी ना। ठीक है, लेकिन मॉडरेट्स कुछ चीजें हासिल करने में भी सफल हुए, कुछ मांगे अपनी मनवाने में सफल हुए, या कुछ कुछ चीजें करने में देश में सफल हुए, जैसे लोगों के बीच में सोशल अवेयरनेस फैलाने में सफल रहे कि भाई उनके हक क्या है। कम से कम पहली बार लोगों को यह पता लगा कि उनके हक क्या है, और अंग्रेज भारत को कैसे लूट के ले जा रहे हैं यह भी पता चला। तो भारत का कैसे इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है कि हमारे पैसे को लूट के ले जाया जा रहा है। शुरुआती कांग्रेस नेताओं में दादा भाई नौरोजी जैसे लोग, आरबी दत्त जैसे लोग, वो उन्होंने बताया कि भैया पैसे को लूट के ये अपने देश में ले जा रहे हैं, अपने इन्होंने लंदन शहर को दुनिया का सबसे बड़ा शहर और सुंदर शहर बना दिया, और हमारे शहरों को बर्बाद करके रख दिया है, हमारी जो खेती का पैसा है वो ब्रिटेन की डेवलपमेंट में यूज हो रहा है, ये बताने में सफल रहे मॉडरेट। और डेमोक्रेटिक आइडियाज के लोगों के हक क्या होते हैं, ब्रिटेन में लोगों को हक मिले हुए हैं जैसे, वैसे हक हमें भी मिलने चाहिए, हमें भी जो है अपनी सरकार चुनने का खुद हक होना चाहिए, अपने लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में और हर जगह पहुंचाने का हमें हक होना चाहिए, तो ये बताने में सफल रहे मॉडरेट्स। और स्वराज की डिमांड भी पहली बार के यहीं के लोगों का रोल होना चाहिए, ये कहने वाले भी शुरुआती मॉडरेट नेता ही थे।
और सिविल सर्विसेज एग्जाम फिर 1893 ऑनवर्ड्स इंडिया में कराया गया, उसके लिए भी जिम्मेदार मॉडरेट नेता ही थे। ठीक है, चल अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है, वैसे तो इसमें हम एक नाम जानते हैं, दादा भाई नारोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है, वो थे जिन्होंने मेनली इस थ्योरी को बनाया और पॉपुलराइज किया। लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोग थे, जैसे आरसी दत्त, दिनशाही वाचा, इन सब का भी इस थ्योरी में या इस विचार को उभारने में बहुत बड़ा रोल था, लोगों को यह बताने में कि भारत का पैसा लूट के ले जाएगा। दादा भाई नारोजी ने इसको पहली बार अपनी किताब में मेंशन किया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आरसी दत्त ने भी अपनी किताब इकोनॉमिक हिस्ट्री इन इंडिया में इस बात का जिक्र किया था कि भारत के पैसे को लूट के ले जाया जा रहा है। उन्होंने यह भी लिखा था कि अंग्रेजों ने जब ये भारत में आए थे तो भारत एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी था, यहां पे हम चीज अपने जरूरत की चीजें उगा लेते थे, अपनी सब जरूरत की सारी चीजें हमारे पास यहां पे होती थी, लेकिन इन्होंने हमें एक कॉलोनियल इकोनॉमी बनाकर छोड़ दिया, अपने पर निर्भर बनाकर छोड़ दिया। अब ये लाते हैं दूसरे देशों से सामान और हमें आदतें डालते हैं, उसके बाद और वो भी उसमें भी सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सारा प्रॉफिट ब्रिटिश सरकार कमाती है। इस थ्योरी ने एक बहुत बड़ा पब्लिक ओपिनियन भी क्रिएट कर दिया, ठीक है, और ये बताया कि ब्रिटिश सरकार ही है भारत में गरीबी और बैकवर्डनेस के पीछे, ब्रिटिश सरकार ही सारा कारण है। यह बता दिया किसने, इन शुरुआती मॉडरेट नेताओं ने, जिसमें दादा भाई नारोजी, आरसी दत्त, दिनशाही वाचा जैसे लोग थे। अब ये तीन लोग, इनकी कोई ना कोई किताब जो है जो बहुत जिसने इस थ्योरी में जान फूंक दी, तो वो दादा भाई नारोजी, रमेश चंद्र दत्त और एम जी रानाडे। एक किताब जो 1898 में पब्लिश की गई, एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, जो इसके बारे में बताती थी, उसको लिखा था एम जी रानाडे ने। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1893 में पब्लिश हुई, इसके रचयिता थे आरसी दत्त, जिन्होंने ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है दी थी। इसमें इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके तो लिखने वाले थे दादा भाई नारोजी। ये लोग थे जिन्होंने इस थ्योरी में अपना योगदान दिया और इन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि भाई सारी जो समस्याएं हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ब्रिटिश सरकार है। इससे पहले भी राजा महाराजा थे भारत में, इससे पहले भी मुस्लिम रूलर्स भी थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो यहां के पैसे को लूट के बाहर ले गया, चाहे वो कोई भी था, चाहे हिंदू राजा महाराजा, चाहे मुस्लिम शासक, वो यहीं रहते थे। जब जरूरत पड़ती थी तो भंडार खोल देते थे। एग्जाम्पल शाहजहां 1630 में बहुत भयंकर पैमाना आया था, शाहजहां ने लंगर खुलवाए थे पूरे देश भर में, चाहे वो देर में जागे लेकिन अपने जो है टैक्सेस बंद कर दिए। तो ये सारी चीजें करते थे पुराने शासक। अंग्रेज वैसे नहीं थे, वो हमारे पैसे को यहां से लेते और अपनी देश की प्रोग्रेस के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा था। वहां पे मशीनें जो है वहां से मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट यहां लाया जाता था, यहां से जो चीजें यहां पे हो रही थी उन्हें जहां पर भी प्रॉफिट होता था वहां पर बेचते थे हमारी क्रॉप्स को। ये सब ड्रेन ऑफ वेल्थ था। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब शुरुआती एक्शंस देखें, अगर हम मॉडरेट नेताओं के, तो उसमें क्या था, कुछ शुरुआती एक्शंस के बारे में बता देते। एक ब्रिटिश कमेटी बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की लंदन में 1889 में, 1889 में एक कमेटी बनी थी, ठीक है। और अब हुआ क्या कि ये जो कमेटी बनी थी इसमें इसके प्रमुख थे दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी जिन्होंने अपनी काफी लंबा जीवन जो है वो अब्रॉड में अलग खासतौर पे ब्रिटेन में जो है वो बिताया था, भारत का केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो चाहते थे कि भारत की समस्याओं के बारे में लोगों को वहां पता चले। 1890 में ये भी डिसाइड किया गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हर साल एक सेशन होता है उसे 1892 में लंदन में कराया जाएगा।
ताकि वहां पे लोगों को पता चले कि इंडिया में क्या समस्याएं हैं, ब्रिटिश सरकार क्या गलत कर रही है, क्या गलत कानून बना रखा है और कैसे लोगों को, भारत के लोगों को उनके हक मिले। उसके लिए वो चाहते थे 1892 का सेशन लंदन में। लेकिन ब्रिटेन में इलेक्शन हो गए 1891 में, जिसकी वजह से ये जो प्लान था लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सालाना सेशन ऑर्गेनाइज करने का, वो हो नहीं पाया, एनुअल सेशन हो नहीं पाया, वो पोस्टपोन कर दिया गया और वो फिर कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, और शुरुआती मॉडरेट नेताओं की कई वीकनेसेस भी थी। वीकनेस थे उनके तरीके जो उन्होंने यूज किए, जैसे उनके तरीके थे कि चार दीवारी के अंदर बैठ के जो है वो दूसरे पक्ष से, ब्रिटिश सरकार से बात करना पीसफुल तरीके से, संवैधानिक तरीके से कोई निष्कर्ष निकालना, पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन एक तरीका। उनके तरीकों में प्रेयर पिटीशन प्रोटेस्ट, कि भाई याचना करो, अर्जी दो और फिर उसके खिलाफ अगर नहीं मिलता तो प्रोटेस्ट करो, वो भी सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। और इन्होंने मेथड जो इस्तेमाल किए, मीटिंग, स्पीचेस, रेजोल्यूशंस, ये मीटिंग करते थे, स्पीच और फिर रेजोल्यूशन लेते थे कि भाई ये कर देंगे अगले आने वाले साल में, सरकार से ये मांग करेंगे, बस जो नाकाफी साबित हो रहे थे। अब इसके बाद समय बदला और आगे 1905 के बाद से एक गर्मपंथी या एक्सट्रीमिस्ट रवैया देखने को मिला। इसके पीछे भी कुछ कारण थे, वो कारण एक बार समझ लेते हैं कि ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ कैसे बढ़ गया, ऐसा क्या गलत होता चला गया जिसकी वजह से नेताओं का रुख बदलना शुरू हुआ और कुछ नेता उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा बदलाव आए और वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ गए, गर्मपंथी रवैया अपना लिया। तो 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आई थी, जो मैंने आपको बताया कि खोदा पहाड़ निकला चूहा थी, जिसने कुछ भी बड़ा कार्य करके नहीं दिया। एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करने का सिर्फ ढकोसला किया गया, असल में सिर्फ ये कहा कि भाई नॉमिनेशन के जरिए लाएंगे। आप किस बात के लिए 30 साल का वेट कर रहे थे, इसके लिए? 1897 में नाथू ब्रदर्स, दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर को बिना किसी ट्रायल के, मतलब कि बिना किसी कोर्ट के सामने पेश किए, सीधा उनको जेल में डाल दिया गया। अब आप ऐसी चीजें करेगी अगर सरकार, तो लोग तो उनके खिलाफ होंगे ही ना, वो तो हथियार उठाने की सिचुएशन तक भी आ सकते। 1897 में बाल गंगाधर तिलक और कई एडिटर्स को बड़ी लंबी अवधि के लिए जेलों में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने न्यूज़पेपर्स और जनरल्स के थ्रू जो है वो बातें जो है लोगों तक पहुंचा रहे थे, तो इसके लिए कर दिया गया। अब ऐसे आप दबाने की कोशिश करोगे तो लोग तो खड़े होंगे ना आपके खिलाफ। 1898 में एक कानून बना दिया कि अगर आप लोगों की भावनाएं भड़काते हो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो यह कानूनन अपराध है। ठीक है, ये देखो 1898 में बोला, ये देखो कि अगर आप लोगों की भावनाएं भड़काते हो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो यह कानूनन अपराध है। फीलिंग ऑफ डिसअफेक्शन टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज मेड एन ऑफेंस। कैलकटा कॉर्पोरेशन में भारतीयों का नंबर घटा दिया। अरे भैया, आप कह रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन में हर जगह भारतीयों का नंबर बढ़ाया जाएगा, 1899 में आपने घटा दिया। रानी क्या झूठ बोली थी इलाहाबाद पे खड़ी होके, तो ये सब झूठी तो दिख रहा था ना, तो एक्सट्रीमिज्म तो आना ही था। ठीक, 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास किया गया और इसके अंदर ये का, देखो प्रेस के ऊपर सीधा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के थ्रू कह दिया अखबारों में अगर ब्रिटिश सरकार का कोई राज आपने छाप दिया तो वो क्राइम है। अब किस बात को आप कह रहे हो ऑफिशियल सीक्रेट, किसी को भी कह सकते हो ना, वो तो आपकी परिभाषा आपके हाथ में। तो इसी तरीके से सीधा एक्ट नहीं लगाई कोई न्यूज़पेपर पे, लेकिन फिर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप कुछ भी सरकार के खिलाफ छाप नहीं सकते। 1905 में लाला लाजपत राय इंग्लैंड से वापस लौटे और उन्होंने ये बताया कि भाई ब्रिटेन में तो ऐसा नहीं होता, ब्रिटेन में तो लोगों की सिचुएशन अच्छी है, भारत में क्यों इस तरीके की रिप्रेसिव पॉलिसीज यूज की जा रही है जब वहां पे लोगों को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर भेजने का हक है, वहां अपने फेवर के कानून बनाने का हक है, तो हमें यहां पे क्यों नहीं है? हमें कहते तो हैं हम भी ब्रिटिश नागरिक है, पर फिर हमें वैसा अधिकार नहीं दिया जाता।
लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन 1898 में भारत आए थे। अगर आप देखो ना, मैं ये मेरा खुद का एक ऑब्जर्वेशन है, 1798 इससे 100 साल पहले एक खराब आदमी भारत के लिए आया था सर, जो लॉर्ड वेलेसली थे। वेलेसली ने इतनी खराब पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी को जिंदा कर दिया था। उसके जरिए उन्होंने कई राज्यों को हड़पा, खराब आदमी। उसके बिल्कुल 50 साल के बाद 1848 में एक और खराब आदमी भारत की धरती पर उतरा, वो था लॉर्ड डलहौजी, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया, बिल्कुल ही न्याय से दूर। कहता है कि किसी भी राजा का कोई भी अगर कोई लीगल वारिस नहीं है तो उसकी सारे संपत्ति हम हड़प लेंगे। और उसके 50 साल के बाद कर्जन एक और राक्षस इस धरती पर उतरा। और कर्जन क्या कहते, कर्जन ने 1905 में बंगाल को ही विभाजित कर दिया, बंगाल को डिवाइड कर दिया। बंगाल को तो डिवाइड किया ही था, अभी देखो इसने क्या क्या कर्म किए। दिल्ली में दरबार लगवा दिया 1903 में। कहता है ये कांग्रेस के नेता जो है ये बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हैं, उसको पसंद ही नहीं आया उनकी बातें। कहते कि अब हमें जो करना है वो करेंगे, इनको बताता हूं मैं। उसने क्या किया, एक बड़ी सेरेमनी अरेंज करवा दी। कांग्रेस के नेता कहते खर्चा कम करो, खर्चा कम करो। इन्होंने बड़ी सेरेमनी फिर से ऑर्गेनाइज करवा दी। अब जो नए राजा बने थे किंग एडवर्ड VII, उनकी भी ताजपोशी कराई भारत में, और बहुत बड़ा समारोह कराया गया फिर से। मतलब हर साल सूखा पड़ रहा है, चौथे साल। सूखे पहले भी पड़ते थे, लेकिन तुमने सूखे में भारत की हालत बिल्कुल बर्बाद करके रख दी। फसलों को सारे विदेशों में बेचते हो, यहां पे स्टोर कुछ होने नहीं देते, और भारतीयों से कम दाम पे खरीद के विदेशों में महंगा बेचते। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी यही आदमी लेके आया था, दुष्ट, जिसने कहा कि भाई राष्ट्रवादियों की आवाज को दबाने के लिए एक नया तरीका निकाल लाए थे, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, कि भाई न्यूज़पेपर्स में कुछ भी जो है आप ऐसे नहीं छाप सकते जो सरकार के सीक्रेट्स को रिवील करते। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आई 1904 में, इसने कहा कि भाई क्वालिटी और एफिशिएंसी के नाम पे। इसने क्या किया, देखो यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में आई, मकसद पता है क्या था, कि जो यंग लड़के हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, और लड़के लड़कियां ये जो है राष्ट्र के अपने आंदोलन में शामिल ना हो, उसके लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी में स्ट्रिक्ट प्रोविजन लागू करवा दिए। और ये बोला कि भैया जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, अगर वो ये स्ट्रिक्ट प्रोविजन या सारी स्ट्रिक्टनेस लागू नहीं करेंगे अपने यहां, तो उनका लाइसेंस, उनको कैंसिल कर दिया जाएगा उनका लाइसेंस। यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू क्वालिटी और एफिशिएंसी के नाम पे, डिसिप्लिन मेंटेन करने के नाम पे, उन्होंने ये कोशिश की कि भाई जो बच्चे वहां पढ़ते हैं उनको ब्रिटिश सरकार के लिए लॉयल बनाया जाए, ना कि कोई अपने देश की राष्ट्रीय भावनाओं को उनके अंदर उमड़ने दिया जाए। कैलकटा कॉरपोरेशन, जैसे मैंने आपको बताया, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में आई थी। और इसमें क्या था कि इसमें ना यूरोपियन मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई, भारतीयों की संख्या कम की गई थी। ये लोकल कॉरपोरेशन था कलकत्ता का, और इसके अंदर अंग्रेजों यूरोपियंस का नंबर ज्यादा बढ़ा दिया गया था। तो ये भी गलत था, आप कैसे कर सकते हो ऐसे, जब आप कह ही रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेशन में हर जगह भारतीयों का नंबर बढ़ाएंगे। फिर आखिरी स्टेप उसका था पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल जब तक इकट्ठा था, यूनाइटेड बंगाल अंग्रेजों के लिए सरदर्द था। बंगाल का नौजवान, बंगाल के लोग पढ़े लिखे समझदार और अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले थे। बंगाल में उन्हें लगता था कि अगर बंगाल यूनाइटेड रहा तो यह हमारे लिए बड़ी दिक्कतें पेश कर सकता है, तो इसलिए बंगाल को किसी ना किसी आधार पर तोड़ देते हैं। उनके हिसाब से तो जो तोड़ने का रीजन उन्होंने दिया कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, आसानी हो हमें सरकार चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, इसके लिए तोड़ रहे हैं। लेकिन असल में था कि रिलीजियस लाइंस पे बंगाल को विभाजित कर देना था, और बंगाल के लोगों की एकता को तोड़ना था, डिवाइड एंड रूल पार्ट, इसीलिए बंगाल का विभाजन किया गया। और एक और बात बताऊंगा आपको, इस आदमी ने यह तक कह दिया कि भारत जैसा कोई देश है कहां। किस बात के लिए रो रहे हो तुम, कांग्रेस के नेता किसको अपना देश कह रहे हैं, है कहां उनका देश, नक्शे पे आता कहां से कहां तक है, कोई बंगाली है, कोई मराठी है, कोई गुजराती है, कोई पंजाबी है कहां तुम्हारा देश। तो अब ये हवा हवा की बातें बंद करो, और अपना बोरिया बिस्तरा लेके आराम करो, और सरकार चलाने दो हमें, ये कहा कर्जन ने। शब्द थे ये, देख लो कि
उसने कहा कि इंडिया कोई देश ही नहीं है, उसने इंसल्ट की राष्ट्रवादी लोगों की ये कहकर के भारत तो कहीं नक्शे पे मौजूद ही नहीं है जिस देश की बात करते हो, और ये जो बिना मतलब का दबाव बना रखा है ना वो बंद करो, लेटिंग ऑफ ऑफ गैस, ये शब्द थे उसके। उसके बाद तीन इंपॉर्टेंट सेशंस, 1905 बनारस सेशन, 1906 कलकत्ता सेशन और 1907 सूरत सेशन, ये और तीन इंपॉर्टेंट सेशंस बंगाल के विभाजन के बाद देखने को मिले। 1905 के सेशन में जब बंगाल को डिवाइड कर दिया गया था रिलीजियस लाइंस पे, जिसमें आज मॉडर्न डे जो बांग्लादेश है उसे ईस्ट बंगाल बना दिया गया और वेस्ट बंगाल को अलग कर दिया गया था, मुस्लिम्स को जो है वो ईस्ट बंगाल में रहने के लिए जो है जगह दे दी गई थी और वेस्ट बंगाल हिंदू और बाकी कम्युनिटीज के लिए, तो ये जानबूझ के विभाजन किया गया था ताकि ये जो यूनाइटेड बंगाल है वो एक पावर जो बनता दिख रहा उसे तोड़ा जाए। 1905 में बनारस में कांग्रेस का सालाना सेशन हुआ, प्रेसिडेंट चुने गए गोपाल कृष्ण गोखले और उन्होंने फॉर्मल प्रोक्लेमेशन या अनाउंसमेंट की के जो है स्वदेशी मूवमेंट चलाया जाएगा गवर्नमेंट के खिलाफ, और अब हम स्वदेशी चीजें अपनाएंगे, सरकार की चीजों का बॉयकॉट करेंगे, सरकार की चीजें नहीं अपनाएंगे, तो ये जो है उसकी जो है फॉर्मल अनाउंसमेंट की थी गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने बनारस के सेशन में, ठीक है। उसके बाद 1906 में कलकत्ता सेशन, कलकत्ता सेशन, अब देखो क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल को डिवाइड किया गया, उसके बाद 1906 में अब कई नए तरीके के नेता उभरने लगे थे जो कहते थे कि ब्रिटिश सरकार जो है हमारे हमारे प्रति इनको लॉयल होना चाहिए और इनको तुरंत प्रभाव से हमारे देश को छोड़ के भी चले जाने चाहिए, कुछ नेता तो ऐसा तक कहते थे, तो ये एक्सट्रीमिस्ट नेता थे। कलकत्ता में जो कांग्रेस का सेशन हुआ यहां पर दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस प्रेसिडेंट चुना गया, लेकिन इस सेशन में बाल गंगाधर तिलक जो गरमपंथी रुख के नेताओं के एक प्रमुख की तरह थे वो इस चुनाव को लड़ना चाहते थे, लेकिन एन मोमेंट पे दादा भाई नौरोजी को आगे कर दिया मॉडरेट नेताओं ने, क्योंकि दादा भाई नौरोजी का सब सम्मान करते थे और वो बहुत ही सीनियर नेता थे, उनको आगे देख कर जो है बाल गंगाधर तिलक ने अपना नाम वापस ले लिया, क्यों, क्योंकि दादा भाई नौरोजी को वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे और उन्होंने उनको बनने दिया। बाल गंगाधर तिलक लेकिन जाते जाते उस समय जो षड्यंत्रकारी मॉडरेट नेता थे जिसमें फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले थे, उनसे उन्होंने कह दिया कि अब की बार तो तुम लोग जो है वो दादा भाई को बीच में ले आए, लेकिन अगली बार मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, फिर क्या होगा सोच लेना। इस सेशन में जो कलकत्ता में सेशन हुआ कांग्रेस का, दादा भाई नौरोजी जहां प्रेजिडेंट चुने गए, इसमें चार रेजोल्यूशन जो है वो कांग्रेस ने अपनाए, एक कि हम स्वराज की मांग करेंगे ब्रिटिश सरकार से, बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का, ब्रिटिश मेड शराब का, ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स का और मशीन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का, सबका बॉयकॉट करेंगे, स्वदेशी चीजें अपनाएंगे और नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, मतलब अपने हिंदू विद्यापीठ को और मुस्लिम मदरसों वाले कल्चर को बढ़ावा देंगे, ये फैसला लिया गया। उसके बाद 1907 का सेशन सूरत में हुआ, होना सूरत में नहीं था, यहां कहानी बहुत मजेदार है। 1907 का सेशन नागपुर में रखा गया था, तो जो जब सेंट्रल इंडिया के प्रोविंसेस में आता था, लेकिन प्लान ये बना मॉडरेट नेताओं ने जानबूझ के, खासतौर पे फिरोज शाह मेहता जैसे मॉडरेट नेता ने, उन्हें तब कांग्रेस का एक नियम होता था कि जहां भी ये सालाना सेशन हो रहा है वहां का लोकल व्यक्ति जो है वो चुनाव नहीं लड़ सके, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक पिछले साल से ही कहकर गए थे कि अगली बार भी मैं चुनाव लड़ूंगा, तो इसीलिए जो नागपुर जो सेंट्रल इंडिया में था वहां से सेशन को बदल के सूरत रख दिया। अब सूरत बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था तब, क्योंकि अब गुजरात महाराष्ट्र, तब सूरत बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ही रहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, और क्योंकि वो इस वजह से, क्योंकि वो लोकल व्यक्ति हैं, तो वो सूरत के सेशन में प्रेसिडेंटशिप का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसके लिए साजिश रची गई और सेशन को नागपुर से बदल के सूरत कर दिया गया। सूरत के सेशन में वही हुआ, बाल गंगाधर तिलक डिस्क्वालिफाई हो गए प्रेसिडेंटशिप से और उनकी जगह पर एक्सट्रीमिस्ट गरमपंथी नेताओं ने अपने दूसरे नेता को उतारा जिनका नाम था लाला लाजपत राय।
यहां पे जो चुनाव हुआ तो इसमें मॉडरेट्स की तरफ से एक नेता रास बिहारी घोष ने लाला लाजपत राय को हरा दिया चुनाव में। और उसके बाद जो है जो नतीजे जब घोषित किए गए कि रास बिहारी घोष सूरत में कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट चुने गए, गर्भपंथी एक्सट्रीमिस्ट नेताओं ने कहा कि ये हमारे खिलाफ सरासर साजिश है, हमने पूरी कोशिश की अपनी बातें आगे रखने की लेकिन हमारी आवाज को दबाया जा रहा है और अगर कांग्रेस में यही चलता रहेगा तो हमारा यहां रहने का कोई फायदा नहीं है। और उन सब ने खासतौर पे तीन बड़े नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और इसे कहते हैं सूरत स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहां मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में अलगाव हो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन और इसी से आगे हम अगली बार कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, चलो चलो भाई कोई बात नहीं, ड्रीम चैनल आप कहीं और जाके जब पढ़ सकते हो, अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आपकी मर्जी है, और जिनको अच्छा लग रहा है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और चलो देखो मैं एक बार बता देता हूं, जो पीपीटी आपको मिल रही है ये आपको आज यहां तक की पीपीटी मिल जाएगी और थोड़ा सा आगे का भी हम कवर कर देंगे। और कुछ बच्चों ने कहा था कि भाई पीपीटी सारी दो, तो मैं सारी पीपीटी क्लब करके आज जो है वो आज आपको दे दूंगा। ठीक है जी, तो उससे आपको फायदा होगा। ठीक है जी, चलो तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। हेटर्स तो हर जगह होते हैं, अब हम हेटर्स का कुछ कर नहीं सकते। ठीक है जी, चलो हाँ, नोट्स भी दे, मैं नोट्स भी डलवा देता हूँ आज, अपडेट करके थोड़ा सा उसमें चेंज करके मैं आज डलवा दूँ। ठीक है, चल ठीक है जी, चलो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आ रहे हैं, अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दो, जो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, अगर किसी का भला होता है तो हमें कर देना चाहिए। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो, अगर आपको सेशन से फायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका अगर एग्जाम क्लियर होगा तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।